अल्कोहल से स्ट्रोंगर एसिड होते हैं क्यों होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे रीजन पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो क्लिक ऑन द लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे एंड देन वी नो एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट कि आपको और कौन से क्वेश्चन ऑर्गेनिक के न ऑर्गेनिक के ठीक है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट्स है सो यू कैन आस्क दे राइट सो अब हम अगर स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं स्ट्रॉन्गर एसिड्स क्यों होते हैं एल्कोहल से सो so, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा होता क्या है This. -O -O ठीक है। एंड जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ले अब अगर हम ये देखें कि एसिड है क्या वो स्पीशीज जो एक्वा एक्वासोल्यूशन में इजीली एच प्लस दे दे ठीक है तो वो हमारे एसिड है अब अगर हम ये लें कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है व्हाट इज दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ये स्ट्रक्चर है ठीक है अब हम जब इसकी पानी में देखें इसको पानी में ठीक है तो क्या होता है क्या बनता है ये h+ आयन देगा तो ये क्या बनाएगा ये बनाएगा कार्बोक्सिलेट rcoo- ठीक है और ये h+ आयन चला गया सो दिस बिकम्स h3o+ ठीक है अब ये देखो कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ठीक है एंड इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा हम जो बनाएंगे वो ऐसा बनेगा कुछ राइट right? सो so ये जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है ये जो है आपका ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्या है रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज्ड है ठीक है सो so, ये रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि ये जो है ये जो आयन बन रहा है कार्बोक्सिलेट आयन इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो ये इजिली एच प्लस आयन देगा अब अगर हम दूसरे आ, उसको देखें अल्कोहल को ऑन द अदर हैंड अल्कोहल क्या है हमारा आर ओ एच ठीक है अगर ये H+ प्लस आयन दे तो ये बनाएगा एल्कोक्साइड आयन विच इज आर ओ माइनस एंड एच थ्री ओ प्लस अब पहली बात तो कि जो एल्कोक्साइड आयन है दैट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज ठीक है यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है ठीक है तो कोई भी यू नो ड्राइविंग फैक्टर नहीं है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए दूसरी बात कि ये जो आर ग्रुप होता है आपका एलकाइल ग्रुप ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ता जाएगा की जो है वो और बढ़ जाएगी, ठीक स्टेबिलिटी तो तो कम हो जाती है ठीक है सो so, इस वजह से भी ये जो है एल्कोक्साइड आयन आपका स्टेबलाइज नहीं है तो ये रिएक्शन के चांसेस है ही नहीं बहुत कम चांसेस है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए ठीक है तो अब हमें दो रीजन पता चले कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है हमारा, दैट इज रेजोनेंस स्टेबिलाई पहली बात तो यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है दूसरी बात यहां पर आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है जो कि ओ के ऊपर नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी को और बढ़ा रहा है ठीक है तो एल्कोक्साइड आयन जो है आपका वो स्टेबलाइज नहीं है यहाँ पर जो है आपका ये आयन ये स्टेबलाइज है क्यों क्योंकि चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यहाँ पे तो अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपका कैसे बनेगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आपका ऐसा बनेगा तो दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज डेंसिटी कम हो गई ठीक है जितना डिस्ट्रीब्यूट चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉगर एसिड देन एल्कोहल ठीक है कार्बोक्सिलेड आयन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ठीक है सो बहुत बड़ा फैक्टर है ये ठीक है एंड दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि क्यों कार्बोक्सिले क्लास एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद येंड्स क्लिक द लाइक बटन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे टून फॉर फर्दर वीडियोज एज वेल टेल देन टेक केयर बाय बाय